71 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वक्त हम खड़े हैं सढ़ौरा दोहड़गा चौक पर। यहाँ पर जेजेपी के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज झज्जर में जेजेपी का स्थापना दिवस प्रदेश स्तरीय रैली के रूप में मनाया जा रहा है और सढ़ौरा हल्का से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। जेजेपी की प्रदेश महासचिव मैडम कुसुम सेरवाल, उनके नेतृत्व में हल्का अध्यक्ष संजीव संधू, बीसीसीएल के अध्यक्ष अमरनाथ सैनी, उनकी अगुवाई में जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं वाहनों का लंबा काफिला यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और साथ ही काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता अभी भी लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। जेजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता अशोक सेरवाल भी आए हुए हैं, जो कि कुसुम सेरवाल जी के पति हैं, वो भी पहुँच चुके हैं और काफ़ी संख्या में देख सकते हैं आप कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं और कुछ ही समय के पश्चात ये काफिला झज्जर के लिए रवाना हो जाएगा। बहुत लंबी लाइन इस वक्त वाहनों की यहाँ पर लग चुकी है। पार्टी के झंडे इस वक्त वितरित किए जा रहे हैं और जिनकी अगुवाई में ये काफिला जा रहा है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है मैडम कुसुम सेरवाल जी। तो आज क्या कार्यक्रम है, जानकारी देंगे? आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं हम। झज्जर रैली है जिसको जन सरोकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज ये काफिला आप देख रहे हो कि सढ़ौरा दुसड़का चौक पे जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद भी करूंगी कि इतनी ठंड में इन लोगों ने बहुत समय निकाला और सब आज रैली में पहुँच रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और इस जोश को देखते हुए आने वाले जो 2 साल के बाद चुनावों की तैयारी है उसकी भी आज यहाँ से तय हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। आज क्या कुछ संदेश देने वाले वहाँ पर, अपने कौन कौन वहाँ पर नेता आने वाले हैं? हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला जी, आदरणीय दिग्विजय जी, प्रधान महासचिव, सभी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ पे पहुँच करके सभी उनके हौसले को और बढ़ाएंगे और वो अपने 3 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे, जो उन्होंने 3 साल में कार्यकाल अपना किया है उसके उसका रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। जी अशोक सेरवाल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आप क्या संदेश आज इस अवसर पर, आज स्थापना दिवस आपकी पार्टी मनाने जा रही है और पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पिछले 3 साल पहले जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ था, निर्माण हुआ था और इसका एक बहुत बड़ा कारण था पार्टी उदय करने का, क्योंकि जननायक जनता पार्टी इसलिए बनाई गई थी जननायक युग कुछ चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियाँ थी उससे कहीं ना कहीं वो लोग कुछ भटक गए थे। तो जननायक युग कुछ चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए, उनके विचारों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ था और लोगों ने पूरे 3 साल बड़ी मेहनत करी और 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से, कार्यकर्ताओं ने पार्टी को 17.5% वोट दे करके पार्टी के लिए सरकार में भागीदारी देने का कार्य किया। लेकिन जननायक जनता पार्टी का उदय सरकार बनाने के लिए किया गया था, तो आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, मैं भी पूरे प्रदेश के अंदर घूम के आया हूँ, सिरसा के अंदर लगा के आया हूँ 10 दिन, तो पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और आने वाले समय में जो, यानी कि हमने एक सपना सजोया था कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपने साकार होने चाहिए, हमारे महापुरुषों का सपना साकार होना चाहिए, वो सपना साकार होता हुआ मुझे आने वाले 3 सालों में आज मुझे साफ नज़र आ रहा है। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने नेताओं के हाथ मजबूत करने के लिए, डॉक्टर अजय चौटाला जी के हाथ मजबूत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज पूरा प्रदेश आज झज्जर के अंदर इकट्ठा होने जा रहा है और आने वाले 3 साल का जो रोड मैप आज हम तैयार करने जा रहे हैं वह हमारे आदरणीय नेता अपने मुखारवंद से वहाँ पर संदेश देने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार से हमने 3 साल के अंदर अपनी पार्टी को मंजिल तक पहुँचाने का कार्य करना है। और जो आधी अधूरी सही 20% सही आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पेन के अंदर हमने लेकर के दी थी, लेकिन 20% सही से काम नहीं चलता है,
पूरी 100% पैन के अंदर सही भर करके हम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करके इस प्रदेश की बागडोर सौंपने का कार्य ये प्रदेश की जनता करेगी। और ये पूरा उत्साह जो पूरे प्रदेश के अंदर आज नजर आ रहा है, ये आने वाले समय में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। देखते हैं जेजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह, बड़े भारी संख्या में सुबह सवेरे यहाँ पर हजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया। हल्का अध्यक्ष संजीव संधू और BCCL के हमारे अमरनाथ जी और पूरी टीम यहाँ पर उत्साह से यहाँ पर लगी हुई है। उत्साह देखने को मिलता है, लग रहा है और लगता है कि आज झज्जर में पूरा हरियाणा इकट्ठा होने जा रहा है। ऐसा कुछ यहाँ से अगर सडोरा हल्के से इतनी संख्या में लोग अपने साधनों से जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर कितना होगा, तो ये आप देख सकते हैं। नारेबाजी इस टाइम अपने पार्टी के प्रति नारेबाजी यहाँ पर लगा रहे हैं, अपने नेताओं का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो देखेंगे कि अगला उत्साह जो है, अगला किस प्रकार से वहाँ की रैली होगी, तो वो भी हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और आज यहाँ पर उत्साह, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने के। मैं फोन करूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी के हल्का अध्यक्ष संजीव संधू संधू जी, जो कि संजय संधू जी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कितने लोग आप संधू साहब अपने इलाके से जा रहे हैं आज? सर यहाँ सैकड़ों लोगों से भी ज्यादा लोगों से यहाँ जा रही हैं गाड़ियाँ, को करीब 200 से ज्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जी, जी, जी। और लोगों में आप देख ही रहे हैं यहाँ कितना उत्साह है। बिल्कुल, यहाँ पे झज्जर जाने के लिए ये हल्का एक तरफ ऐसा हो रहा है कि आज सारा हल्का बाहर निकल गया सुबह से, इतनी ठंड में सुबह सुबह से यहाँ खड़े हो गए आगे, ये सब झज्जर जाने के लिए तैयारी कर ली है। अभी तो क्या अगला क्या लगता है कि जेजेपी का क्या अगली सरकार हमारी होगी? हमारा विधायक यहाँ से डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी हमारी विधायक होंगी अगली यहाँ से। पूरा उत्साह जोश है, पूरा आज उत्साह है आपके सामने, आप सभी लोग देखो हमारा अगली बार सढौरा हल्के की विधायक डॉक्टर कुसुम शेरवाल होगी, तो आपको दिख ही रहा है आज, क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। झज्जर में जो जेजेपी की जो प्रदेश स्तरीय रैली होने जा रही है, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जो है अब रवाना होने जा रहे हैं। तो काफिले को देखकर लगता है कि वास्तव में मेहनत पदाधिकारियों ने की है और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाया है। सुबह सवेरे ही कार्यकर्ता 6 बजे से ही यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, हर उम्र के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। तो सढौरा दोहड़का चौक से ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति।